हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो किसी भी एटम की क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है, ठीक है, हमें हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो वो क्या होती है, किसी भी एटम की कैलकुलेशन होती है। अगर हमें फॉर एनी एटम हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर किसी भी एटम का निकालना हो तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए कि नंबर ऑफ उस एटम पे, नंबर ऑफ उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम अटैच, ठीक है, प्लस उस मॉलिक्यूल के साथ लोन पेयर ऑफ दैट एटम, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उस सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर ऑफ दैट एटम, ठीक है। तो अब कैसे है, जैसे टोटल नंबर, फिर क्या हुआ, अगर टोटल नंबर आता है टू, ठीक है, अगर टोटल नंबर आता है टू तो इसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, अगर टोटल नंबर टू देन हाइब्रिडाइजेशन इज ESP, अगर टोटल नंबर आ रहा है थ्री तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर SP2, अगर फोर आता है तो इसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, SP3, अगर टोटल नंबर इज फोर देन द हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D, ठीक है। अगर टोटल नंबर इज सिक्स देन द हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D2, ठीक है। अगर टोटल नंबर आता है सेवन देन द हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D3, अगर एट आता है, टोटल नंबर एट आता है तो उसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, SP3D4, ठीक है। पर इतना ज़्यादा अपने काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या रहेगा, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन और सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है, तो ये कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में आता है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फोर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, नंबर ऑफ एटम अटैच, क्या देखना है, नंबर ऑफ एटम अटैच, तो इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है, फोर है, ठीक है, कितने एटम अटैच है, फोर है, प्लस इसके पास अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका सॉलिड वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ फोर है और फोर के पर उसने किसके लिए रखे है, एटम अटैच करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, सो कितने हो गए, फोर, तो फोर के रिस्पेक्ट में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, SP3, तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, SP3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो अमोनिया, किसका है, अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये अमोनिया किस ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप में आता है और इसके पास ये क्या आता है, 15 ग्रुप में और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 5, कितने होते हैं 5, तो अब इसके साथ नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है और उसके पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, प्लस अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 में से 3 गए, 5 माइनस 3 कितने रहे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर कितना हुआ, 1, यानी 3 + 1 = 4, तो 4 के रिस्पेक्ट में अगेन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा इसका, SP3, ठीक है। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, किसका लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कितने ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में आता है, कौन से ग्रुप में, 16 ग्रुप में आता है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी, 6, कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो अब इस ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन के साथ सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ कितने एटम अटैच है, 2 एटम अटैच है, प्लस
अब 6 में से 2 गए, कितने बचे जी? 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इतना किसका होगा? जोड़ी, यानी 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, सो 4 के रिस्पेक्ट में अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा जी? sp3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल मान के चलो हम, और एक एग्जांपल लेते हैं IF7, कौन सा लेते हैं? IF7, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है जी? आयोडीन, क्या है? आयोडीन है, और आयोडीन कौन से ग्रुप में आता है? 17 ग्रुप में आता है, और उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। तो अब इस सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच है जी? 7 एटम अटैच है, प्लस अब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नहीं, 7 प्लस 0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फिर? 7, तो फिर अगेन 7 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलता है? 7 के रिस्पेक्ट में देखो sp3d3 निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर और एक हम एग्जांपल लेंगे, डिफिकल्ट एग्जांपल लेंगे जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ेनॉन क्या है? ये सेंट्रल एटम है, और ये ज़ेनॉन कौन से ग्रुप में आता है? 18 ग्रुप में आता है, ठीक है। और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ, इस ज़ेनॉन के साथ कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है? 4, प्लस अभी 8 में से कितने गए? 4 गए, बचे 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर कितना होगा इसका? 2, सो 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, तो देन 6 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के ट्रिक्स के लिए आप मुझे, यानी मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।